सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस, अगर आपका कंप्यूटर भी ऑटोमेटिक अपडेट ले लेता है और इस सिचुएशन से आप बहुत ज़्यादा परेशान है, जब ऑटोमेटिक अपडेट लेता है तो ऐसे में हमारा बहुत ज़्यादा डाटा खर्च हो जाता है। अगर वाई दबे हमारे फ़ोन में गलती से 1.5 GB वाला डाटा लिमिट है तो ये 1.5 GB का डाटा लिमिट कब ख़त्म हो जाता है इसका हमें भनक भी नहीं लगता है। और सेकेंड नंबर पर जो हमारा परेशानी है, अगर हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप सिस्टम को स्विच ऑन करते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ गेटिंग विंडो रेडी, डोंट टर्न ऑफ योर कंप्यूटर, इसके साथ साथ ही 1 to 100 काउंटिंग चलने लगता है और वहाँ पर आपको वेट करने के लिए बोलता है। कभी कभी ये घंटों से ज्यादा समय ले लेता है। अगर आपके भी कंप्यूटर में विंडो अपडेट से लेकर किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही है तो इस वीडियो को आप बिना स्किप किए एंड तक देखते रहें, आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम में कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेना होगा। तो मैं यहाँ अपना कंट्रोल पैनल स्क्रीन पर रखा हूँ, इसलिए मेरा यहाँ से ओपन हो गया। बट आप लोगों को यहाँ पर सर्च बार पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लिखना है CON। जैसे ही आप CON लिखेंगे तो ऊपर कंट्रोल पैनल आ जाएगा, इस पर क्लिक करके आपको अपना कंट्रोल पैनल ओपन कर लेना है। कंट्रोल पैनल ओपन होने के बाद आपको इसका लुक कुछ इस प्रकार देखने को मिलेगा। तो आपको सबसे पहले कैटेगरी पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन और दिख जाएंगे, तो आपको लार्ज आइकन पर क्लिक करना है। लार्ज आइकन पर क्लिक करते ही कंट्रोल पैनल का सेटिंग कुछ इस प्रकार हो जाएगा और आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव टूल, तो आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। ओपन जैसे ही करेंगे तो आपको इसका लुक कुछ इस प्रकार दिखेगा और यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पर देखने को मिल जाएगा कंप्यूटर मैनेजमेंट, तो आपको इस पे डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। ओपन होते ही आपको ये ऐसा दिखेगा, तो आपको यहाँ सबसे नीचे सर्विस एंड एप्लीकेशन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको फिर से इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको सर्विसेज देखने को मिल जाएगा, तो सर्विसेज पर क्लिक करना है। सर्विसेज पर क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार के ढेरों सारे ऑप्शन आ जाएंगे, तो आपको स्क्रॉल डाउन करके एकदम नीचे आना है इस पेज पर। जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा विंडोज अपडेट, तो आपको इस पर डबल क्लिक करके इसे ओपन कर लेना है। ओपन होते ही यहाँ पर स्टार्टअप टाइप पर आपको कोई डिफॉल्ट ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे मेरे सिस्टम में यहाँ मैनुअल दिखा रहा है, तो आपके सिस्टम में कोई और चीज यहाँ पर लिखा हुआ होगा। यहाँ पर आपको कुछ भी लिखा हुआ देखने को मिल जाए, बस आपको इस पे क्लिक करना है। एंड अब आपको यहाँ पर डिसेबल पर क्लिक करना है। डिसेबल पर क्लिक करने के बाद तो आपको यहाँ अप्लाई लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, तो सिंपली आपको अप्लाई पर क्लिक करके एंड ओके पर क्लिक कर देना है। अब सिंपली आप लोगों को इस पेज को कट करना है। कट करने के बाद आपको अपने कंप्यूटर के होम स्क्रीन पर आना है। होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको सर्च बार पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर टाइप करना है REGI। जैसे ही आप इतना लिखेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्री एडिटर का ऐप आ जाएगा, तो आपको इस पर डबल क्लिक करके इस ऐप को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा H की लोकल मशीन, इसके सामने जस्ट एरो दिख जाएगा, तो आपको अपने माउस का कर्सर यहाँ पर लाना है और इस पे क्लिक करके इसे ओपन करना है। इसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, देन सॉफ्टवेयर को भी इसी प्रकार ओपन करना है। अब आपको यहाँ थोड़ा नीचे आना है और इसे थोड़ा बड़ा करना है ताकि टेक्स्ट आपको पूरा दिखाई दे। और यहाँ पर आपको पॉलिसीज देखने को मिल जाएगा, तो इसके एरो पर क्लिक करके इसे ओपन करना है। अब आपको माइक्रोसॉफ्ट पर क्लिक करना है और इसे ओपन करना है। अब आपको विंडोज पर क्लिक करके इसे ओपन करना है। और अब आपको यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करना है, तो फाइल बनाने के लिए सिंपली विंडो पर आएंगे, अपने माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, न्यू पर आएंगे। न्यू पर आते ही यहाँ पर एक की का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पर क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही यहाँ एक नया फोल्डर बन जाएगा। इस फोल्डर में जो भी टेक्स्ट है उसे डिलीट करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे विंडोज अपडेट और कीबोर्ड से इंटर बटन प्रेस कर देंगे। अब यह जो फाइल हमने बनाया है, इस फाइल पर अपने माउस का कर्सर लाएंगे एंड माउस का राइट बटन क्लिक करेंगे, न्यू पर आएंगे, की पर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पर आप लोगों को इस फाइल के नेम को डिलीट करना है और यहाँ पर आपको AU लिखना है और इंटर कर देना है। अब अपने माउस के कर्सर को यहाँ पर लाना है और यहाँ पर अपने माउस का राइट बटन क्लिक करना है, न्यू पर क्लिक करना है। और अब आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान देना है, अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम 32 बिट का है तो आपको 32 बिट वाले पर क्लिक करना है, और अगर आपका कंप्यूटर सिस्टम 64 बिट का है तो आपको यहाँ 64 बिट सेलेक्ट करना है। जैसे कि मेरा कंप्यूटर सिस्टम 64 बिट का है तो मैं यहाँ पर इसी को सेलेक्ट करूंगा। यहाँ से इसे डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है और इस फाइल नेम को डिलीट करना है और यहाँ पर आपको लिखना है नो ऑटो अपडेट और फिर इंटर की प्रेस कर देना है।
अब आपको इसी फाइल पर डबल क्लिक करके इसे ओपन करना है और यहाँ पर आपको जीरो लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा, तो इसे डिलीट करके आपको यहाँ पर वन लिखना है क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी भाषा समझता है, तो इसलिए आपको यहाँ पर वन लिखना जरूरी है। और फिर आपको यहाँ एक ओके का बटन देखने को मिल जाएगा, देन ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करते ही आपका सारा काम हो जाएगा। आपको अब इस पेज को कट करके अपने होम स्क्रीन पर आना है और अपने कंप्यूटर सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर देना है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अब किसी एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।